जी, मैं एडवोकेट आशिर खान। जैसा कि लास्ट वीक कुछ लोग हमारे पास ऑफिस पे आए थे, अप्रोच करे थे और बोले कि हम फलस्तीन के नाम पे जो है डोनेशंस किए हैं और आगे आने के लिए डर रहे थे वो लोग, नाम उनका नहीं लेना चाह रहे थे और बोले कि आप कुछ एक्शन लीजिए, कुछ करिए ये जो हो रहा है इसके खिलाफ। तो हम कुछ देखे, बैकग्राउंड चेक करे और फिर उस लिहाज से हम पुलिस के पास गए थे और कंप्लेन करे। पुलिस हमको एक्नॉलेजमेंट दी थी लास्ट वीक और अश्योरेंस दिए थे कि हम इस पर कुछ एक्शन लेंगे बोल के। हम वेट करे, वेंसडे के दिन हम गए थे, आज 7 दिन हो गए। तो फाइनली कल सुबह हम रिट पटिशन फाइल करे थे हाई कोर्ट में। रिट पटिशन नंबर हुआ हमारा, पुलिस को शायद इतला मिली, क्या हुआ नहीं मालूम। कल रात में 9 बजे, जी रात में 15 अप्रैल 9 बजे कल वो लोग FIR बुक किए हैं, क्राइम नंबर 150 ऑफ 2024 सैयद अयूब के नाम से। ऑफेंस इसमें चीटिंग लगाए हैं और इन्वेस्टिगेशन अब शुरू करेंगे वो लोग। मेरा ये है कि इसमें आप देख रहे हैं कुछ वीडियोस भी आगे आ रहे हैं, पैसे कहीं गए नहीं अभी तक। एक दो राशन के बैग्स लगा के ये मतलब नहीं कि आप करोड़ों रुपये वसूल कर रहे हैं और जो है ना एक दो बैग्स लगा के वीडियोज़ बना रहे हैं। अभी भी बॉर्डर्स क्लोज है या फिर वहाँ पर इशूज़ है, एड नहीं पहुँच सकती और ये चीटिंग का जो काम है अभी भी चल रहा, ये रुकना चाहिए। और ये FIR अभी उम्मीद है कि अब एक्शन होगा और रुकेगा। नहीं नहीं, जिस तरीके से आप जो है ये अय्यूब के नाम पे जो करे हैं, इसके साथी है सलमान, उनके नाम पे क्यों नहीं किया आप? क्योंकि हम जो देखे थे हमारे पास जो लोग अप्रोच हुए वो अय्यूब के नाम पे वो लोग ट्रांसफर करे पैसे, अय्यूब के अकाउंट में ट्रांसफर करे थे। जी, अय्यूब के पर्सनल अकाउंट में करे थे लोग ट्रांसफर, इसीलिए जो है हम अय्यूब के नाम पे कंप्लेंट दिए थे। अगर आगे कुछ लोग आ रहे हैं मेरे पास फिर और बोल रहे हैं कि हम सलमान के अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर किए हैं, सलमान के खिलाफ भी कंप्लेंट करना, वो भी हम कर सकते हैं क्योंकि वो ऑफेंस अभी चल रहा है, उनका क्राइम जो किए हैं वो स्टिल गोइंग ऑन। यानी जाने के सलमान के खिलाफ भी लोग आपके पास आएंगे तो उनके ऊपर भी आप कंप्लेंट? डेफिनेटली हम लेंगे। आपका ऐसा क्या जो है दिलचस्पी है जो इन लोगों को जो है आप जो है कंप्लेंट बुक करा के जो इन लोगों को अरेस्ट कराना चाह रहे हैं और रिकवरी कराना चाह रहे हैं? ना, इसमें हमारी कोई दिलचस्पी पर्सनल नहीं है, मैं कभी उन लोगों को देखा नहीं, आज तक उन लोगों से मिला नहीं, मैं जानता नहीं, ना कोई मेरा कोई पॉलिटिकल किसी से एसोसिएशन है, ना लीडर से कोई लेना देना है, ना हम किसी के आगे पीछे फिरते। एज अ लॉयर मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ लोग अप्रोच हुए, वो लोग डर रहे थे कि हमारा नाम मत लीजिए आगे, हमारे को आगे मत लाइए बोल के, क्योंकि ये लोग थ्रेट कर रहे हैं फ़ोन आ करके। काफ़ी सोशल वर्कर्स और जो नॉन पर्सनैलिटीज है हैदराबाद के, वो लोगों को ये लोग फ़ोन करके थ्रेट कर रहे हैं। तो अननोन लोगों का तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है जाके घर पर कुछ हंगामा करना करना, इसलिए लोग डर रहे थे। और जो लोग डर रहे हैं इन लोगों से, मैं उनको भी बोलूँगा कि आप डरने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको कोई थ्रेट कॉल आ रहा है या फिर कोई आपके पास अप्रोच कर रहे हैं आपको किस्म से किसी भी किस्म से डरा रहे हैं, पुलिस से एक्शन लेगी, आप लोग आगे आइए। तो कुछ दिन पहले देखो, कुछ महीने पहले देखा गया कि अय्यूब को और सलमान को जो है चंद्रन गुट्टा पुलिस उठाकर जो है जेल में भेज दी थी, उसके बाद वो लोग छोड़े। यानी छोड़ने के बाद जो है फिर वो लोग ऐसा कर रहे, तो पब्लिक क्यों उनके जो है अकाउंटों में पैसे डाल रही है बताइए? अब पब्लिक जो है इनोसेंट है अपनी, एक उनके अकाउंट में नहीं डाल रही पब्लिक है, फलस्तीन जो नाम आ रहा है उसके कॉज में, उनकी सूरत देखे नहीं है, फलस्तीन की सूरत से ही लोग पैसे डाल रहे हैं, लोग इनोसेंट लोग। और इसमें ज़्यादातर ओवरसीज लोग हैं, जो ओवरसीज हैदराबादीज है जो अब्रॉड रहते हैं, वो बहुत इमोशनल होकर जो है ना ये काम कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग ये फ्रॉड में फंस रहे हैं, यानी उनके जज्बे का मुजाहरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी अभी जो है कल एक बात पता चली है कि आप ही बता रहे थे कि जो है फलस्तीनी एम्बेसी ने कुछ कहा। हाँ, हम देखे मीडिया के जरिए कि उनका स्टेटमेंट आया कि वो लोग किसी को ऑथराइजेशन नहीं दिए कि पैसे कलेक्ट करो या फिर फंड्स जमा करो, ना उनके पास कोई अप्रोच हुए कि भाई हम इतने फंड्स जमा किए हैं या कुछ डोनेशंस करने वाले हैं बोल के। एम्बेसीज तो इसमें इन्वॉल्वमेंट अभी तक कुछ भी नहीं है। और ये कितने पैसे हुए क्या हुए ये आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये चीज़ों को क्लियर करेगी। क्योंकि जिस तरीके से अभी नेशनल मीडिया पे भी आया है कि तुर्की जो है करोड़ों रुपए जो है जमा करके फलस्तीनी एम्बेसी के जरिए जो है वहाँ पे फंड पहुँचा, जी ये लोग ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि अब इनका पर्सनल इंटरेस्ट होगा शायद, इसीलिए प्राइवेट इनके अकाउंट में ये लोग फंड जो है ना डिपॉजिट करवाए पहली चीज़ तो। और अब एम्बेसी क्लियर करी कि हमारे को कुछ इनसे कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो आगे अब आप लोग समझदार है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके और चीज़ें क्लियर करेगी इंशाल्लाह। अब पुलिस के ऊपर क्या आप जो इत्तेफाक कर रहे हैं? इंशाल्लाह पुलिस FIR तो करिए, देखिए 7-8 दिन हो गए हुआ FIR, अब उनके खिलाफ PD Act जो था हटाया गया था कोर्ट से। मेरा ये है कि इनके ऊपर PD Act इन्वोक होना चाहिए फिर से और इनके पासपोर्ट जो है सीज होना, ये बच्चे अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, इतने इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है इनके ऊपर, केसेस पेंडिंग है, पासपोर्ट इनका सीज होना। अगर ये लोग परमानेंटली एब्सेंट हो गए बाद में अफसोस कर रहे हैं से कुछ फ़ायदा नहीं है। सुनने में यह आया कि कोई पॉलिटिशियंस भी उनके साथ मिले हुए हैं, किसी का सहारा लेके वो लोग ऐसा कर रहे हैं? अब मेरे को इस चीज़ का इल्म नहीं है, मेरे को नहीं मालूम, मैं कोई पॉलिटिशियन से मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेना देना नहीं है। जैसे मैं बोला, हम
किसी पॉलिटिशियन के लिए काम नहीं करते। आपके कंप्लेन करने आकर अगर वो लोग अप्रोच होकर अगर कुछ बात करते अगर क्या कंप्रोमाइज करे तो हाथ जोड़ के या कुछ करके वो लोग जो है अगर कुछ डिमांड वगैरह रखे अगर आपके कंप्लेनर को खरीद के जो है कंप्रोमाइज कराने तो क्या आप उसके ऊपर एग्री होंगे? नहीं, इसमें कॉम्प्रोमाइज का यही है, देखिएगा कि यू नो वाइट पेपर एक रिलीज करना बैंक स्टेटमेंट जो इनको पैसे आए बैंक में और जो कैश रिसीव इन्होंने लेके कैश दिए हैं वो, और या तो पूरे पैसे रिफंड रिटर्न करना या नहीं तो एम्बेसी को चेक लगा के हैंड ओवर करना कि हम ये फंड जनरेट करे थे इतने, ये दो में से एक चीज़ होना चाहिए। इसके अलावा कंप्रोमाइज का कुछ कंसर्न नहीं है इसमें। नहीं, अब मेरे पास जो लोग अप्रोच हुए थे ऑफिस पे हमारे आए थे पहले, वो लोग उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रहे, डर के इन लोगों से इनके फ़ोन कॉल आएंगे घर पे कोई आ जाएंगे बोल के, तो इसीलिए मेरे को जो है ना उनके बिहाफ पे आके कंप्लेन करना पड़ा है। इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। और उसके बाद भी कुछ कंप्लेन देने के बाद भी हम एक दो वीडियोस देख रहे थे, कोई लोग भेजे मेरे को एक दो ऐसे नीट के बैग्स रखने के वीडियोस बना रहे हैं, वो सरासर बोगस है, फेक है, फैब्रिकेटेड वीडियोस है, उसमें कुछ भी जेन्युइन नहीं है। या इतना कुछ दिन पहले जो है मीडिया पे सोशल मीडिया पे आया था किसी लोगों को भी डराया धमकाया जा रहा है जी, अयुब के काफी वीडियोस है, अगर आपके कंप्लेन में को ऐसा कोई धमकी भरा फोन आया अयुब का तो आप क्या करें? हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे इंशाल्लाह, कोर्ट है, पुलिस है और लॉ एंड ऑर्डर है, ऐसा किसी को थ्रेट करना ये पॉसिबल नहीं आज की डेट में, चले गए देना, हर चीज मीडिया पे आ जाती है, रिकॉर्ड होता है हर चीज, तो इट्स वेरी इजी टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। ये बहुत बड़ा जी हो सकती पॉसिबल है। देखिए अब इसमें एक टाइप का नहीं है, मल्टीपल तरह से लोग इन्वॉल्व है इसमें, एक अयुब खाली एक फेस सामने आया अभी तक इन्वॉल्व है, पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करेंगी, उम्मीद है और लोग अक्यूज बनाएंगे लोग जो है ना तहकीकात करके डिटेल्स आएंगे आगे। आप इस तरह से अयुब के ऊपर एफआईआर कंप्लेंट कर रहे हैं आप, लेकिन वो जो राशन की पार्टी था सलमान की फोटो करना चाह रही हूँ जी, कहाँ तक काम नहीं कर रहे जी, लेकिन फोटो आए ये